अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मेरी ये कट मार्कर के साथ तीसरी क्लास है। ये देखें, ये कट वाला मार्कर आराम से बाज़ार से अवेलेबल होगा, तो इससे आज की हम क्लास शुरू करते हैं। अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिस्मिल्लाह ही लिखते हैं। अल्लाह पाक ही है हर काम में बरकत देने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट मार्कर के साथ आप लिखना शुरू करें, जिस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, इस तरह लिखने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको हाथ में बहुत सफाई आ जाएगी। ये देखें, आज का हमारा सबक है दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, से। ये देखें, ये एक ही समझ लें कि अगर आप ये दाल डालें, इसी के ऊपर दाल जाल सब कुछ बन जाएगा। ये देखें, ये ऊपर से पूरी पूरा लेके आना है और नीचे से ऐसे ज़रा सा झटका दे देना, और इसी तरह से रे है। ये देख, अब रे अगर आप बनाना सीख जाएं तो रे, जे और से सब कुछ इसी से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, तो इसके नीचे हम मश्क करते हैं। दाल के लिए हम लफ्ज़ बनाते हैं दादी, और दाल के लिए कर लेते हैं मश्क के तौर पे डोल। बाकी जिसने कत के साथ बिल्कुल सही तरीके से जो खताती होती है वो अगर सीखनी हो तो जो मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ कलम के साथ, आप उसके वो वीडियो मेरी देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। दादी हो गया, डोल हो गया, जाल के साथ हम कर देते हैं जरी। और रे से अगर करें तो रावी। ये और रे से तो कुछ नहीं बनेगा, इसको लफ्ज़ के बीच में ही कर लेते हैं। मेरे जहन में तो इस वक्त कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो इसको हम ऐसे बीच में शामिल करेंगे, बड़ा लिख देते हैं। और जे से, ये भी जे से भी नहीं मेरे जहन में कुछ आ रहा, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि जजा लिख लेते हैं, ये भी बीच में जोड़ के साथ ही आएगा जजा। बस मेरे जहन में नहीं आ रहा था, जवाल लिख देते हैं। ये लो, अच्छा,
जजा हो गया, जवाल हो गया, और से साला बारी। साला बारी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ करने के लिए भी ज़रा अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।